हेलो फ्रेंड, मैं हूं संध्या और आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल नए डिजाइन के समोसे, रोज़ समोसा। ये बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होता है। आप इसको एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिए। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने समोसे का आटा ले लिया है और समोसे की स्टफिंग लिया है जिसको हमने बॉल के आकार में बना लिया है। और अब हम इसका स्लरी बनाएंगे। ये हमने 2 चम्मच मैदा लिया है और थोड़ा सा पानी डाल करके इसका गाढ़ा घोल बना लेंगे। ये देखिए, अब हम सरफेस पे थोड़ा सा मैदा को छिड़केंगे और समोसे का डो लेंगे और इसको हम बड़ा बेलेंगे। इसको हमें पतला बनाना है और बड़ा बेल करके तैयार करेंगे ताकि हम इसमें से कई समोसे एक साथ बना सकें। आप चाहें तो पूरी के आकार का भी एक बार एक एक करके बेल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बनाना काफ़ी आसान होता है। तो ये देखिए, हम एक बड़ी सी कटोरी ले लेते हैं और इसको हम इस तरीके से निशान बना लेंगे। इस तरीके से हमारे कई समोसे एक साथ बन करके तैयार हो जाते हैं। हमने निशान बना लिया। अब साइड के हम सभी आटे को निकाल देंगे। सभी को अच्छी तरीके से निकाल लें और अब हम समोसे की एक पूड़ी लेंगे और चाकू की मदद से हम इसको क्रॉस का निशान बना देंगे। बीच का हिस्सा छोड़ देंगे। साइड साइड में बस हमें इसको निशान बनाना है। इस तरीके से चारों तरफ हमने निशान बना लिया है और अब हम समोसे के बॉल लेंगे और इस तरीके से बीच में रखेंगे और जो हमने सलारी बनाई थी इसको हम साइड में लगा देंगे। चारों तरफ हमें अच्छी तरीके से इसको लगाना है। ये देखिए, और ये जो कटे वाला निशान है इस पर भी हमें इस लड़ी को लगा देना है। और फिर हम हल्के हाथों से इसके एक एक पार्ट्स को उठाएंगे और इस तरीके से आलू पे हम इसको सटा देंगे। हल्के हाथों से लगाना है इसको। ये देखिए, अब हम दूसरा पार्ट लेंगे और इसको भी हम इस तरीके से चिपका देंगे। साइड में थोड़ा हमें अच्छी से चिपकाना है ताकि तलते समय ये निकले ना। चाकू से आप अच्छी तरीके से काट लें फिर इसको चिपकाएं। ये देखिए, हमने तीनों लगा दिया, अब हम चौथा लगा देते हैं। ये देखिए, आपको लग रहा है ना बिल्कुल रोज के डिजाइन का। ये देखिए, हमने बना लिया है, कितना अच्छा सा लग रहा है। तो चलिए अब हम एक और आपको बना करके दिखाते हैं। ये देखिए, हमने समोसे की पूड़ी ली और इसको हमने निशान बना लिया चारों तरफ से। और अब चाहे तो इसी समय आप स्लरी लगा लें। हमने एक आलू रख दिया और अब हम इसको स्लरी लगा देते हैं इस तरीके से। और फिर से हम एक एक करके इसको हम चिपका देंगे इस पे। फ्रेंड्स, आप इसको चाहे तो कलरफुल में भी बना सकते हैं। आटे में थोड़ा सा रेड कलर डाल करके आप रेड कलर का भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये वाइट में बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए, हमने बना लिया है। इसी तरीके से हम सभी को बना करके तैयार कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा सा बन करके तैयार हो गया है फ्रेंड्स। तो सभी को पहले बना करके तैयार कर लें और अब हम इसको तलेंगे तो तेल अच्छा गर्म हो जाए। फिर हम इसको मीडियम कर देंगे और हम एक एक करके सभी समोसे को डाल देंगे। फ्रेंड्स, थोड़ी देर हमें इसे चलाना नहीं है, इसी तरीके से छोड़ देना है। थोड़ी देर के बाद हमें इसे चलाना है। जब लगे कि आपको सिक गया है तो आप इसको हल्का हल्का इस तरीके से पलट दें। इसके अंदर ऑयल जरा भी नहीं जाता है तो बहुत तेज आंच पे आप इसको न बनाएं, नहीं तो बहुत ज़्यादा लाल हो जाएगा। ये देखिए, हमारा समोसा कितना अच्छा से सिक गया है। तो अब हम इसको निकाल देते हैं। फ्रेंड्स, इसके अंदर ऑयल जरा भी नहीं जाता है, खुला हुआ एरिया है, फिर भी ये बहुत ही अच्छे से सिक करके तैयार हो जाता है। तो देखिए, है ना कितना अच्छा समोसा बन करके तैयार हो गया है। अब हम इसको सभी को निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर सा लग रहा है हमारा समोसा देखने में। तो आप चाहे तो इसे ग्रीन चटनी या केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी ये समोसे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर इसको लाइक करें और ट्राई भी करें, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।